Hi, welcome back to Unimonks. My name is Namra. मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं आपको डोमेन के साथ CUET डोमेन बोर्ड के साथ साथ मैं आपको कॉलेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता रही हूँ। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि CUETs कंपैरेटिवली न्यू, हर इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, तो अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज, डू नॉट नीड टू वरी, वी आर हेयर टू मेक दिस सिंप्लीफाई फॉर यू। हमने बहुत सारी जामिया, AMU, BHU, JNU और AMU, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का कर दिया, साउथ बिहार यूनिवर्सिटी का किया, गुजरात यूनिवर्सिटी का किया, केरला यूनिवर्सिटी का किया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने आपके लिए बनाया है। कोई भी मिस हो गया हो, डू नॉट नीड टू वरी। यूनिमोंक्स के चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, सारे चैनल्स पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल डरना नहीं है, बोर्ड्स भी करना है, CUET भी करना है, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, उसके बाद जो कॉम्बिनेशन वगैरह बनेंगे वो सब भी हम आपको बताने के लिए। ठीक है, तो आज हम कौन सी कॉलेज कवर कर रहे हैं? FDDI, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। इसके ऑलमोस्ट 11-12 कैंपसेस है ऑल ओवर इंडिया। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा क्योंकि मुनीर का एजेंट डेली है, डेली से पास नोएडा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स नोएडा भी प्रेफर करते हैं, मतलब रोहतक भी प्रेफर करते हैं, चेन्नई भी प्रेफर करते हैं, तो आज मैं आपको नोएडा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ। ठीक है, सो इट इज अ वेरी नाइस कैंपस, आप देखेंगे बहुत अच्छा कैंपस है। आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, इसके एलुमनाइज बहुत अच्छे हैं, इसके प्लेसमेंट में Amazon, Skechers, Adidas, Puma, आप इस यूनिवर्सिटी पेज पे जाके देखेंगे वेबसाइट पे, इसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, पैकेजेस बहुत अच्छे मिलते हैं, एलुमनाइज बहुत अच्छे होते हैं, इसमें सेमिनार्स होते हैं। इसके इन्होंने अपने वेबसाइट पर 2-3 सेमिनार्स का वीडियोस भी डाल रखा है, आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो स्पीकर्स आते हैं वो कितने अच्छे से स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, कितने अच्छे से बताते हैं कि उनके आने वाला पाथ क्या हो सकता है, उनकी ना उनको ऑप्शंस एक्सप्लोर करना सिखाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हम बात करना स्टार्ट करते हैं। FDDI नोएडा कैंपस 4 कोर्सेज करवा रहे हैं, वो कौन कौन से 4 कोर्सेज है अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो मैं आपको हर बार बताती हूँ, डिग्री। ठीक है, डिग्री कौन सी है? BDes, मतलब बैचलर ऑफ डिजाइन। कोर्स कौन सा ऑफर कर रहे हैं? फुटवेयर डिजाइन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, कोर्स कौन सा ऑफर कर रहे हैं? फुटवेयर डिजाइन एंड प्रोडक्शन। उसके बाद डोमेन कौन सा है? आप इसकी सबसे अच्छी बात ये है FDDI की, इसका जो डोमेन है उन्होंने अपनी डोमेन क्राइटेरिया सबसे इजी रखा है। उन्होंने कुछ नहीं बोला कि आप GT लो, ये लो, वो लो, उन्होंने बेसिकली ये बोला जो CUET UG के लिए जो भी आप कॉम्बिनेशन अदर यूनिवर्सिटीज के लिए ऑप्ट कर रहे हो, या फिर जो आपने 12th में पढ़ा है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट, बेसिकली उन्होंने ये बोला है आप एनी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो एज पर दी गाइडलाइंस ऑफ CUET UG। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का हमने क्या देखा है, क्राइटेरिया बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, क्राइटेरिया डिफिकल्ट होते हैं, कॉम्बिनेशन बहुत डिफिकल्ट बनते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, यार अगर हमने पॉल साइंस के साथ मैथ्स चूज करना है, इसके साथ वो चूज करना है, कॉम्बिनेशन बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। ठीक है, तो FDDI इज द कूलेस्ट। उन्होंने बोला है कि कोई बात नहीं, आप एनी सब्जेक्ट चूज करो CUET UG के लिए, उसके बाद अच्छा सा एग्जाम दो, अच्छे से मार्क्स लो, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी में उन्होंने क्या बोला है, हमने देखा था बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या मांग रही है, कुछ यूनिवर्सिटीज एज मांग रही है, कुछ यूनिवर्सिटीज परसेंटेज मांग रही है, कुछ यूनिवर्सिटीज बेस्ट 5 के मार्क्स मांग रही है, ये मांग रही है कि 12th में आपके पास ये वाला कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इस कॉम्बिनेशन का एग्रीगेटेड मार्क्स ये होना चाहिए। नहीं, FDDI being the coolest, इसने बोला 10+2 करना है एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, कोई भी बोर्ड से, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने 12th करी हो, नो मैटर कितने मार्क्स आए, नो मैटर कुछ भी क्यों, कोई भी बोर्ड से 10+2 तो CUET का भी होता है ना 10+2। अगर आपको UG में, ग्रेजुएशन में एडमिशन चाहिए, 12 तो आपने पास करी ही होगी ना, तो FDDI ने बोला 10+2 कर रखे, एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, एनी सब्जेक्ट चूज कर रखे, आ जाओ FDDI में एडमिशन ले लो। ठीक है, दूसरा कोर्स देखते हैं। दूसरा कोर्स कौन सा है? जैसे मैं बोलती हूँ डिग्री, BDes। प्रोग्राम कौन सा ऑफर कर रहे हैं, लेदर गुड्स एंड एसेसरीज डिजाइन। ठीक है, अगर आप चाहे तो मैं इसकी प्लेसमेंट में, ये सारे जो कोर्सेज है लिटिल हटके कोर्सेज है, लोग क्या कहते हैं बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स इसमें और उसमें चले जाते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कोर्सेज है, इनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। इसके बाद आप एमबीए करो, एफडीडीआई एमबीए भी करवाते हैं, इसके सारे जितने भी इसके कैंपसेस है ऑल ओवर इंडिया वो लोग एमबीए कोर्सेज भी करवाते हैं। तो इसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, इसके स्कोप बहुत अच्छे हैं, इसके पैकेजेस बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप चाहे कि मैं थोड़े से हटके कोर्सेज की प्लेसमेंट पे, एलुमनाई पे, पैकेजेस पे वीडियो बना दूं तो कमेंट करिए। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रही थी, डिग्री बता रही थी, लेदर गुड्स एंड एक्सेसरीज डिजाइन। फिर वही बात, उन्होंने डोमेन में क्या बोला, एनी सब्जेक्ट चलेगा, कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा। एफडीडीआई ने बोला हमें कोई भी सब्जेक्ट चलेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी में फिर वही बात, 10+2 कर रखो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से उनको चलेगा। ठीक है, एफडीडीआई इतने अच्छे पैकेजेस भी दे रहा है, इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी बता रहे हैं, इसका कैंपस भी बहुत कूल है, नॉट जस्ट इन नोएडा, इसकी जितनी भी कैंपसेस है आप इसकी वेबसाइट पर जाके देखेंगे आपको देखने को मिलेगा, बहुत कूल कैंपसेस है। तो एफडीडीआई बीइंग द कूलेस्ट वो कह रहे हैं आ जाओ करवा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं आप यूनिमॉन्क्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिमॉन्क्स का ऐप डाउनलोड करने से आपका क्या फायदा होगा, आपका फायदा होगा आपको वहां पे ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, रिटन नोट्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, हम लोग कितना भी पढ़ाई कर ले, मैं भी जब स्टूडेंट थी मैं कितनी भी पढ़ाई कर ली थी, जब तक मैं प्रैक्टिस टेस्ट नहीं लेती थी मुझे नहीं पता होता था कि मैं कितने पानी में हूँ, जो मैंने जो इतना पढ़ा है मुझे कुछ याद भी रहा है। तो ऑनलाइन टेस्ट, आपके मॉक टेस्ट, आपके प्रैक्टिस टेस्ट भी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या फायदा होगा, और फायदा होगा लाइव चैट विद मेंटर। व्हाई इट इज नेसेसरी, बिकॉज स्टूडेंट्स आर मेनी टाइम्स कंफ्यूज कि उनको ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा, उनको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, उनको सीयूटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं समझ में आ रहा, तो आप ऐप में अपने मेंटर के साथ लाइव चैट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन असाइनमेंट्स एंड मेनी मोर, आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलेंगे, आपको हम ऐसे बर्डन नहीं कर देंगे, बर्डन से नहीं होगा कि असाइनमेंट देना है 10 पेज का 20 पेज का, इट इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी सेल्फ स्टडी करोगे, सीयूटी क्रैक करना उतना ज्यादा ईजी हो जाएगा ना। ठीक है, तो इस वजह से यूनिमॉन्क्स का ऐप डाउनलोड करिए। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है, 2 कोर्सेज बता दिए, थर्ड कोर्स कौन सा है, थर्ड कोर्स है डिग्री बैचलर ऑफ डिजाइनिंग, प्रोग्राम कौन सा है, फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग बहुत स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा पसंद होता है, क्यों ना पसंद हो, इसका स्कोप बहुत है। मैं आपको कैपिटलिज्म के बारे में भी बताती हूँ, आपको इंडस्ट्रीज के बारे में भी बताती हूँ, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में भी बताती हूँ। तो फैशन डिजाइनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्सेज और इम्पोर्टेंट थिंग वी हैव, नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये शनाल वगैरह फैशन डिजाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन वही है, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। FDDI is keeping it as simple as possible, आपको इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज करवा रहा है FDDI, यूनिक कोर्सेज करवा रहा है, प्रैक्टिकल कोर्सेज करवा रहे हैं, प्लेसमेंट अच्छी दे रहा है। उसके बाद इन सब के बाद भी वो क्या कर रहा है, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपलेस्ट ऑफ ऑल रख रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी फिर वही 10+2 कर रखा हो, एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से कितने भी मार्क्स आए हो, परसेंटेज हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, 12th में कोई भी सब्जेक्ट हो, FDDI is saying no matter what, आपने 10+2 कर रखी हो, एनी स्ट्रीम हो आपके पास, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हो, आ जाओ FDDI में, आ जाओ सीयूटी क्रैक करो, आ जाओ। ठीक है, एक लास्ट कोर्स कौन से करवा रहे हैं, वो BBA भी करवा रहा है, यूजी में BBA। डिग्री कौन सी है, रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज। अगर आप इसके बाद BBA करके भी आप जॉब के लिए जाओगे, प्लेसमेंट अच्छी मिलेगी, आप MBA करके भी जाओगे, उसके बाद भी बहुत और स्कोप बढ़ जाता है, और पैकेज और पैकेज बढ़ जाता है, और स्कोप बढ़ जाता है, प्लेसमेंट में और ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, डोमेन में क्या है, डोमेन में सबसे आपको याद ही नहीं रखना है, बस ये याद रखना है FDDI 4 कोर्सेज करवा रहे हैं, डोमेन और एलिजिबिलिटी सबका सेम है। ठीक है, एनी सब्जेक्ट हो आपके पास, डोमेन में आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, एनी सब्जेक्ट चलेगा। और एलिजिबिलिटी में क्या चलेगा, 10+2 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। 10+2 आपने पास कर रखो हो, कितने भी मार्क्स हो कोई बात नहीं, 10+2 कर रखो, रिकग्नाइज बोर्ड हो, एफडीडीआई को चलेगा, ठीक है। तो यही पे आपके 4 कोर्सेज खत्म होते हैं एफडीडीआई के। इसके अलावा आपको कोई भी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया जानना हो, सीयूटी क्राइटेरिया जानना हो, किसी डोमेन में दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यूनिमॉन्क्स का एड्रेस मिल जाएगा। आप अपने किसी आपको कोई भी डोमेन से दिक्कत है, आप उस फैकल्टी से आके यूनिमॉन्क्स में मिल सकते हैं। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वी आर हेयर फॉर यू। ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, ऑफलाइन अवेलेबल है, यूनिमॉन्क्स ऐप अवेलेबल है। टेलीग्राम पे हमें फॉलो करिए, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी यूनिवर्सिटीज का जानना हो, क्राइटेरिया किसी भी कॉलेज का जानना, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, स्टार्ट स्टडीइंग, टाइम बहुत कम बचा है, डेट आ गई है यूजी की, ठीक है। चलो आज हम इतना ही बताते हैं। फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स।